मॉडिफिकेशन सिस्टम्स या एंड मॉडिफाइंग एंजाइम्स. एंड मॉडिफाइंग एंजाइम्स में क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के सीरीज में पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिक्स टाइप्स है, सिक्स एंजाइम वेराइटीज है जो एंड को मॉडिफाई कर सकता है. फर्स्ट है टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटिडल ट्रांसफरेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, लिंकर एडेप्टर्स एंड होमोपॉलीमर टेनिंग. आज हम फोकस करेंगे पहले तीन टाइप्स पे. लिंकर एडेप्टर और होमोपॉलीमर टेनिंग हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटिडल ट्रांसफरेजेस. इसमें थोड़े वर्ड्स पे फोकस करिए. पहला वर्ड है टर्मिनल, मतलब एंड पे. डीऑक्सी ये डिनोट करता है कि हम डीएनए स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हैं. न्यूक्लियोटिडल ट्रांसफरेज मतलब हम न्यूक्लियोटाइड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं. तो हम एंड्स पे न्यूक्लियोटाइड को ट्रांसफर कर रहे हैं और उस एंजाइम का नाम है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटिडल ट्रांसफरेज. तो कौन से एंड पे ये ट्रांसफर करेगा? लेट सपोज ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है. डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक एंड होगा 3'-5' और एक होगा 5'-3'. और इस एंजाइम के प्रेजेंस में जो भी हम न्यूक्लियोटाइड लेंगे, अगर हमने लिया है डीटीटीपी, अगर हमने थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट लिया है, तो ये एंजाइम इस न्यूक्लियोटाइड को इस डीएनए के एंड पे अटैच करेगा या ट्रांसफर कर देगा. यह है हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ये सेम डीएनए मैंने पहले बना लिया है. अब इस एंजाइम से ये थायमिडीन कहां ट्रांसफर होगा? इस स्ट्रैंड के 3' एंड में अब पॉलीथायमिडीन जुड़ते जाएगा. ये है फंक्शन टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज. ट्रांसफर हो रहा है न्यूक्लियोटाइड का. इस केस में कौन है? टीटीपी है. डीऑक्सी क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड है. टर्मिनल एंड्स पे कौन से एंड्स पे? 3' एंड्स पे. 3' एंड पे पॉली टी और दोनों एंड्स पे अटैच हो रहा है. ये फंक्शन है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटिडल ट्रांसफरेज. सेकेंड जो एंजाइम है ये है एल्कलाइन फॉस्फेटेज. फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज वर्ड का मतलब है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देना. तो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट कहां पे होता है? ये अगर हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, 3-5' बना लिया, सबको मालूम है कि 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है. तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के जहां जहां पे 5' एंड है वहां पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा. अब एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएंगे. 3' एंड, 3' एंड एसिटीज रहेगा. अब 5' एंड पे जहां पे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप था, अब ये फॉस्फेट ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से. क्यों रिप्लेस हुआ? क्योंकि एंजाइम जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है. एल्कलाइन कंडीशंस पे एल्कलाइन पीएच में ये फॉस्फेट ग्रुप्स को रिमूव करता है. अब अगर मुझे वापस फॉस्फेट ग्रुप चाहिए तो हमको चाहिए T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज. पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है. कहां ऐड करेगा? ये जो स्ट्रैंड था, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था जहां पे 5' एंड में OH ग्रुप है, इन प्रेजेंस ऑफ T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज ये रिकन्वर्ट हो जाएगा जहां पे 5' एंड पे वापस से यहां पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गए. ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने का काम है T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज. फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का काम है एल्कलाइन फॉस्फेटेज. और टर्मिनल एंड्स पे याद रखना, 3' टर्मिनल एंड्स पे अगर सेम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है, वो करता है टर्मिनल डीऑक्सी
न्यूक्लियोटिडल ट्रांसफरेज। यह तीन एंड मॉडिफाइंग एंजाइम्स, इसको छोड़ के और तीन एंड मॉडिफाइंग एंजाइम्स है, लिंकर, एडाप्टर और होमोपॉलीमर टेलिंग। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।